तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता रे परिवर्तन यात्रा रे उद्बोधन देउछंती सीधा सलक नै चलुछु। स्थानीय समस्याओं की चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद उसमें से समाधान क्या निकलता है, आगे कैसे बढ़ेंगे, जनता को क्या करना चाहिए, इसकी भी चर्चा करते हैं। मुझे ये कार्यक्रम अच्छा लगा। कल रात को मैंने कहा कि सुबह मैं जा रहा हूं, मैं भी चाहूंगा कि चाय चक्र में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए। मुझे पता चला है कि रात के 12 बजे यहां के स्थानीय प्रशासन ने आपको इजाजत दी कि इस तरीके का चाय चक्र हो सकता है और आपने सुबह इतनी बड़ी संख्या में चाय चक्र में सभी लोग शामिल हुए हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे दिलीप दा ने आप लोगों के साथ चर्चा की है। मुझे बताया गया कि ये जो होरियतारा पंचायत है और जो धाती गांव है, यहां पर हमारे पंचायत के प्रधान जीते हैं, उप प्रधान जीते हैं और पीसी और भाईपो की गुंडागर्दी के बाद जीते। देखिए, आपकी तालियों ने बजा दिया कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच्ची घटना। यानी नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिया जा रहा, गुंडागर्दी हुई। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं वो लोग तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी करते हैं और हमारे गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे आदिवासी भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। किछो करबे ना, कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से हमारे गरीब भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, बेसी दिन चलबे ना। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा और कमल को खिलाना होगा, इस बात को हमको चिंता करना। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के जोश को देखकर समझ रहा हूं कि जो बातें मैंने करनी है वो आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं। बताइए, आपको आयुष्मान भारत सुविधा मिले थे कि बच्चे की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बच्चे की? मोदी की सरकार असले सभी की सुविधा मिले पे। ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए। एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ ममता जी हैं जो सारे योजनाओं को रोकना चाहते हैं। आप बताइए, ममता जी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना, ऐ तो गुस्सा कह दो, क्या कारण है? होबे ना। ये कट मनी। बोलो, टोलाबाजी होता है कि नहीं होता है? बोलो, चांद चोर है कि नहीं है? चांद चोर के बालीचेर के, तिरपाल चोर के। देखो, मैंने नहीं कहा है,
ये आप कह रहे हो, ये यहां की जनता कह रही है। समय आ गया है इकॉट मनी को मई महीने में कट कर दो और आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कमल को खिलाओ। कमल ही रास्ता है, उसी से विकास होगा। आप बताओ, मोदी जी ने यहां पर अभी दो दिन पहले आए थे, तीन दिन पहले 4,700 करोड़ रुपए का यहां पर रिफाइनरी के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। कितने किलोमीटर का सड़क बन रहा है इस बजट में? सुनीता, 675 किलोमीटर की सड़क 25,000 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया मोदी ने? वो लगना है कि नहीं लगना है? वो तभी लगेगा जब ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, ये भी हमको समझना चाहिए। विजयवाड़ा का कॉरिडोर खड़गपुर तक आस्पेन सीधा यहाँ के विकास के लिए आर्थिक जगत में काम होगा। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाय चक्र चलाए रखो और ममता चक्र से बचो।